Good morning, children. I am Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rehla. Today I am going to start new chapter from course book chapter seven, Tooth Troubles, written by Arudhanti Bangladesh. It's a very interesting chapter because every child has to lose their teeth in childhood. Okay. Now let's move on the main content of this chapter, Tooth Troubles. Starter. Elisa's tooth fell out today. सी एज वॉस इट नीटली एनकेप्ट इन अ टीनी बॉक्स अंडर हर पिलो विथ दिस मैसेज आपने भी शायद ये किया होगा जब बच्चों के टीथ टूट जाते हैं तो उसको ले करके और या तो उसको मिट्टी में बरीड कर देते हैं दबा देते हैं विथ अ मैसेज यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है डियर टूथ फेरी टूथ फेरी मीन्स दांतों की परियां इन दिस लिटिल बॉक्स यू विल फाइंड अ टीनी टाइनी टूथ ऑफ माइंड आई प्लेस इट हियर फॉर यू टू कीप प्लीज लीव योर गिफ्ट sleeping. स्लीपिंग लव Alisa. यानी yani, अलिशा एक छोटी सी बच्ची है जिसका टूथ टूट जाने की वजह से वो एक मैसेज लेके छोड़ती है उन, मतलब बच्चों को ये होप होता है कि परी आएगी और उस टूथ को लेकर करके और उसके बदले में गिफ्ट देगी एंड द मैसेज फ्रॉम टूथ फेरी डियर अलिशा थैंक यू फॉर कीपिंग योर टीथ सो क्लीन वी फेरीज लव इट्स ब्राइट व्हाइट शाइन शाइन मीन्स चमक हम लोग क्योंकि वो धूल के रखी थी इसलिए वो चमक रहा था सो हियर्स अ गिफ्ट फॉर अ टूथ सो ब्राइट की ब्रशिंग आई विल सी यू अनदर नाइट बच्चों को ब्रश करना चाहिए यही उसका गिफ्ट था ऐसा उसने लिखा इन अ मॉर्निंग सी फाउंड अ रिप्लाई फ्रॉम द टूथ फेरी अलॉन्ग विथ अ गिफ्ट अगले दिन उसे एक गिफ्ट के साथ रिप्लाई मिला रीड दिस स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो किरण वॉज ग्रीनिंग वाइडली ही वॉज मिसिंग अ टूथ देर वॉज अ ब्लैक होल वेयर द टूथ हैड बीन ग्रीनिंग थोड़ा स्माइल करते हुए स्माइलिंग वाइडली बिकॉज उसका एक टूथ जो मिसिंग टूट गया था देर वॉज अ ब्लैक होल जब बच्चों के दांत टूट जाते हैं तो वहां पर ब्लैक होल हो जाता है मतलब ब्लैक दिखाई देता है दैट्स वेन इट स्ट्रक पुस्किन अ गैप जत टूथ हैड फॉल लॉन्ग एगो स्ट्रक स्ट्रगल्स था दिमाग में विचार आना अ गैप जतिन्स टूथ हैड फॉलन लॉन्ग एगो जतिन के भी टूथ में गैप है जो कि बहुत पहले उसका दांत गिर चुका था चंद सचिन एंड नितिन लॉस्ट अ टूथ ईच सचिन और नितिन का भी एक-एक दांत टूट चुका है एंड नाउ किरण अब किरण की बारी है सो दे ऑल हैड गैप्स ओनली ही डिडंट अब किरण की बारी थी क्योंकि सबके दांतों में गैप था बट इसके दांतों में नहीं था पुष्किन सडनली फेल्ट ऑल एलोन अब पुष्किन को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो अकेला हो गया ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ गैप क्लब यू कैन बी मेंबर ऑफ द गैप क्लब वंस योर टूथ फॉल्स नितिन मंबल मंबल्ड मींस होता है धीरे से बोलना कि अगर तुम्हारा दांत टूट जाएगा तब तुम इस क्लब के मेंबर बन जाओगे कौन सा क्लब गैप क्लब यस यू विल देन किरण ने कहा तब तक तुम्हें वेट करना होगा पुष्किन make दिस टूथ फॉल क्विकली अब पुष्किन को ऐसा फील हो रहा था कि मैं अकेला हूं काश मेरे भी दांत जल्दी से गिर जाते हैं फिर रिमेंबर्ड वॉट हिज ग्रैंड मदर है उसे अपनी दादी माँ की बात याद आई था इट्स अ तमिल वर्ड ग्रैंड फादर वु नॉट ईट द मुर्कू एंड चिक्की मुर्कू एंड चिक्की इज अ डिश सी मेड बिकॉज ही वॉज केयर्ड ही वुड लॉस द फ्यू टेट ही हैड उसे याद आया कि जो मेरे ग्रैंड फादर हैं वो मुरुकू और चिक्की नहीं खाते हैं उनको डर है कि उनके जो बचे हुए दांत है वो भी गिर जायेंगे पुस्किन मदर इन तमिल लैंग्वेज टू मेक चिक्की फॉर हिम उसे याद आया और उसे अपने दांत को गिराना था इसलिए उसने अपनी दादी से कहा कि मुझे मेरे लिए मुरक्कू और चिक्की आप बनाइए इवेन एज पुस्किन वॉज थिंकिंग किरण अनाउंस्ड गैप क्लब मेंबर्स असेंबल एट द प्ले ग्राउंड उसे वो सोच रहा था कि किरण अनाउंस करेगा कि सारे जो गैप क्लब मेंबर है वो प्ले ग्राउंड में उपस्थित हों सचिन वो कप विथ जतिन वाई चैलेंज द फोर्थ स्टैंडर्ड टू अ फुटबॉल मैच फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों ने फुटबॉल मैच के लिए चैलेंज किया है वाट सेट पुस्किन वी आर गुड वो तो खेल में अच्छे हैं वी विल शो देम दे विल गो होम विथ दियर टेल्स बिटवीन देयर लैक्स किरण वॉज कॉन्फिडेंट टेल्स बिट्वीन दियर लैक्स मींस हो गया इट्स अ फ्रेजल असेम फील करना ऐसा नहीं कि उनके पैरों के बीच में टेल आ जाएगी ये कन्फ्यूजन यहां भी था डू द फोर स्टर हैड अपने सिर को खुजलाते हुए कहा क्या फोर सिनर के बच्चों के टेल है इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन इट मीन्स विल बी अम्ड नितिन सेठ नितिन ने कहा कि नहीं ऐसा कहा जाता है इसका मतलब कि उन्हें अशेम फील होगा बट वी नीड अ रियल फुटबॉल टू प्रैक्टिस इफ यू हैडबॉल वी वुड बी टेम इजीली हाउ विल बी गेट वन जतीन स्क्रेस्ट इज हेड हार्डर अपने सिर को खुजाते हुए जतिन ने कहा कि हमें रियल फुटबॉल चाहिए ताकि हम प्रैक्टिस कर सके और इससे हम उनको आसानी से हरा सकते हैं बट हमें कहां से मिलेगा Why did you challenge them when you know we don't even have football? Sachin asked. Sachin ne pucha ki tumne kyu challenge liya jab tum jaante ho ki hamare pas football nahi hai. They all we were we are babies. I told them we had see who's a cry baby. Jatin scratch some more. All we need it a is a football. उसने कहा कि तुमने क्यों चैलेंज लिया जब जानते हो कि मेरा football नहीं है आप लोग एक छोटे baby हैं cry baby. और जतिन अपने सिर को स्क्रैच करते हुए कह रहा था कि हमें हमें सभी को एक फुटबॉल चाहिए फॉर बेटर परफॉर्मेंस नेक्स्ट पेज हैव हैज ब्रेन ब्रेन वेव वेव रेनवेन्स होता है अचानक कोई आइडिया आना इफ यू लेट मी ज्वाइन द गैप क्लब नाउ आई विल आस्क द टूथ फेरी फॉर अ फुटबॉल वेर माई टूथ फॉल्स देखिए बच्चों का कहलिये मन होता है कितना इनोसेंट होते हैं बच्चे तो कह रहा है कि मुझे तुम अपने क्लब मेंबर में गैप क्लब में मेंबर बना में दो। मैं फैरी जब मेरा गिरेगा तो एक गिफ्ट बच्चे फुटबॉल टू बी प्रिसाइज अब सारे बच्चों की नजरे पुस्किन के दांत पे टिक गई ऑल एक्सेप्ट सचिन ही केवल सचिन को छोड़ के सचिन वापस वो जाके सो गया वी नीड टू गेट पुस्किन टूथ टू फॉल बट हाउ अब हमें चाहिए कि पुस्किन के दांत को गिराया जाए ताकि वो टूथ टूथफेरी हमारे लिए फुटबॉल मांगे बट कैसे आइडिया बॉक्सिंग जतिन पंप्ड हिज फेस्ट इन द एयर जतिन ने कहा बॉक्सिंग से आई विल जस्ट नॉक योर टूथ ऑफ मैं अभी तुम्हारा दांत मार के गिरा देता हूं आई हैव ब्रोकन मेनी टीथ जतिन एज श्योर्ड हिम जतिन कहा कि मैंने कई लोगों के दांत तोड़े हैं पुष्किन टुक टू स्टेप बैक टू बी सेफ को डर लगा उसने दो स्टेप को पीछे गया अपने आप को सेफ करने के लिए सचिन अवेक अगेन स्पोक हुई टूथ किस शेकिंग बट डिड इन फॉल सचिन ने कहा कि जब मेरे, मेरा दांत हिल रहा था गिरा नहीं था द डेंटिस्ट टाइड अ थ्रेड राउंड इट एंड पुल्ड डेंटिस्ट ने क्या किया एक थ्रेड को मेरे दांत के जो हिल रहा था उसे चारों तरफ बांध दिया और उसे खींच लिया आउट इट कम बाहर आ गया मेरा इजी पीजी लेमंस एमजी इट्स अ स्मॉल वर्ड विदाउट एनी मीनिंग बच्चे अक्सर किसी चीज में ऐसा बना लेते हैं अपने से बिफोर पुस्किन इन कोर्ट प्रोटेस्ट जतिन पुल्ड ऑफ थ्रेड दैट वॉज डेंगलिंग फ्रॉम हिज ट्राउजर बिना अभी पुस्किन ने सोचा कि प्रोटेस्ट करेंगे उसके पहले ही जतिन ने क्या किया एक धागे धागा अपने जेब से निकाला एंड लूजेंड इट अराउंड पुस्किन फ्रंट टूथ और उसने उसके फ्रंट टूथ पे लूजेंड टू कैच समथिंग विथ अ लेसो लेसो इज अ लॉन्ग रोप वन इंड ऑफ ईच इजाइड इन टू अ लूप द लूप इंड इज यूज टू कैच होल्ड समथिंग दिस काइंड ऑफ इस तरह से फंसा करके दांत में उसको खींचना था इट अराउंडूथ फ्रंट टूथ देखिए यहां पर उसने यहां पर उसे फंसा करके खींचा किरण स्टेप फॉर्वर्ड हियर ऑल ऑफ यू होल्ड स्टेप फॉरवर्ड थोड़ा आगे किरण आया और उसने कहा कि सभी लोग उसे पकड़ लें एट द काउंट ऑफ थ्री पुल और जैसे ही मैं तीन गिनूंगा खींच लेना है सचिन एंड नितिन टुक पोजिशन सचिन नितिन ने पोजीशन ले लिया किरण कॉल्ड आउट वन टू थ्री द फोर बॉयज ही थ्रेड चारों बच्चे जो हैं वो उस, उस थ्रेड को पकड़ के टग मीन्स होता है खींचना हिप मीन्स होता है जैसे भारी बोझ उसको खींच रहे थे टू सेकेंड लेटर दो सेकंड के बाद द थ्रेड फेल टू पीसेस जो है वो दो पीस में टूट गया लैंडेड इन अप ऑफ द फ्लोर लैंडेड मीन्स होता है एक के बाद एक हीप एक के ऊपर एक गिरते गए पुस्किन फेल ऑन टॉप ऑफ देम और सबसे ऊपर पुस्किन गिरा मो मो द साउंड केम फ्रॉम डीप बिलो मो मो की जो साउंड होती है वो काउ की होती है सबसे ऊपर पुस्किन गिरा और उसके मुंह से आवाज आने लगा मुंह मुंह कर हेड जतिन टर्न इन टू अव क्या जतिन गाय में बदल गया मोह इट वॉज जतिन समफल बॉयस पुस्किन फाइनली मैनेज टू स्क्रम्बल टू हिज फीट द बॉयस टूट वन बाई वन मफल मिन्स होता है बहुत ही धीमी आवाज में कहता है न फाइनली मैनेज टू स्क्रम्बल टू हिज फीट स्क्रम्बल मीन किसी लड़कराते हुए अपने पैर पर खड़ा हुआ द अप वन बाई वन सारे बच्चे एक के बाद एक खड़े होने लगे नेक्स्ट एंड लास्ट पेज लुक हियर। इट्स अ हीप ऑफ बॉयज हु इज लैंडेड ऑन द फ्लोर आई नो वट इज द प्रॉब्लम इज जतिन सेट एंग्रीली योर टूथ वॉज सो स्ट्रांग जस्ट वॉन्ट फॉल जतिन बोला कि मैं समझ गया क्या समस्या है क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा दांत जो है वो बहुत मजबूत है जो हम लोग से दे जस्ट वॉन्ट फॉल जो गिरना नहीं चाह रहा अभी हाउ दैट पॉसिबल किरण वॉज थिंकिंग अलाउड किरण कहा यह कैसे पॉसिबल है इवन प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स दैट रोम द अर्थ लॉस्ट दियर टीथ कहता है कि पहले प्री हिस्टोरिक एन एंशियंट एंड ओल्ड मतलब पहले से ही चला आ रहा है जो क्रिएचर धरती पर हैं, उनके दांत गिरते हैं लाइक डायनासोर डे टीथ हैड ऑन रॉक आफ्टर दिन बॉडी ये एक तरह से जब कोई जानवर की मौत हो जाती है तो वो उनके जो इम्प्रेशन है वो पत्थरों में छप जाते हैं तो कहा कि उनके दांत गिरने के प्रमाण मिले हैं फसल से सम पीपल वर बॉर्न विथ टीथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जन्म से ही उनको उनके दांत थे नेपोलियन नेपोलियन वॉज बट आई हैवेंट रीड अफ एनी वन हु बट हमने अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा है जिसका कभी दांत न गिरा हो जतिन बटेडिन बटेडिन मींस होता है जैसे बीच में बोलना टू स्पीक वेन समल इज ऑलरेडी स्पीकिंग जतिन ने बीच में ही बोला मे बी पुस्किन इज एन एलियन शायद हो सकता है कि पुस्किन जो हो एलियन है हिज टीथ विल नेवर फॉल उसका दांत कभी नहीं गिरेगा देन ही स्क्रैस्ड हिज हेड एंड एडेड अपने सिर को खुजाते हुए उसने कहा वी कुड हैमर इट आउट अब हमें इसको निकालने के लिए हैमर इस्तेमाल करना पड़ेगा हैमर मीन्स हथौड़ी पुस्किन टर्न टेल एंड रन टर्न टेल एंड रन मीन्स पुस्किन जैसे ही सुना कि अब हैमर से उसके दांत को निकाला जाएगा वो वहां से चुपके से भाग गया Extract from Truth Travel, Ardanti Venkates. Okay, children. Hope you all have enjoyed. Uh, now I am going to stop here, and next class I will solve the exercise of this chapter. Till then, keep studying.